दोस्तों, जब से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारा है तब से आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि राहुल भाई रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाओ कि रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा और रोमन रेंस दोबारा चैंपियन कब बनेगा, क्या रोमन रेंस कोडी रोड से एक रीमैच लेगा या फिर रोमन रेंस की फ्यूड किसी और सुपरस्टार के साथ शुरू होगी। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूं कि ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 40 के बाद दिए इंटरव्यू में ये बोला है कि रोमन रेंस का रिटर्न जल्दी ही एक नए कैरेक्टर और एक नई स्टोरी लाइन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक और तगड़ा होगा। तो दोस्तों, ट्रिपल एच के अनुसार रोमन रेंस का रिटर्न एक नए कैरेक्टर और एक नई स्टोरी लाइन के साथ देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर रोमन रेंस की फ्यूड कोडी रोड्स के साथ नहीं होगी, क्योंकि रोमन रेंस एक नए कैरेक्टर के साथ किसी और सुपरस्टार के साथ एक नई फ्यूड की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, रोमन रेंस एक बड़े लेवल के सुपरस्टार बन चुके हैं, तो वो किसी छोटी मोटी चैंपियनशिप के लिए मैच करके अपने कैरेक्टर को गिराएंगे नहीं, क्योंकि ट्रिपल एच ने बोला है कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और तगड़े बनकर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में रोमन रेंस एक बेबी फेस सुपरस्टार बनकर अपना रिटर्न कर सकते हैं और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रोमन रेंस के रिटर्न की, तो रोमन रेंस का रिटर्न हमें समर स्लैम से पहले देखने को मिल सकता है, क्योंकि समर स्लैम से पहले की स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज हैं। तो दोस्तों, हो सकता है रोमन रेंस समर स्लैम से पहले एक नए कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के साथ अपना रिटर्न कर सकते हैं और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो रो ब्रांड में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जल्दी ही WWE में ड्राफ्ट होने वाला है, तो ऐसे में हो सकता है कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ रो ब्रांड में रहें और डैमन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ इस स्मैकडाउन में चले जाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लो WWE रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में एक रीमैच की प्लानिंग करती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आजकल WWE बताती नहीं है, उन्हें सीक्रेट रखती है, और ट्रिपल एच एरा में तो ऐसा ही होता है, WWE बताती कुछ और है और करती कुछ और है। तो दोस्तों, ऐसे में रोमन रेंस इस हफ्ते के स्मैकडाउन में भी ट्राइबल चीफ के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं और कोडी रोड से एक रीमैच की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का रीमैच हुआ तो WWE कोडी रोड्स को इतनी जल्दी तो हरवाएगी नहीं, और अगर रोमन रेंस एक बार फिर से कोडी रोड से हार गए तो फिर उनका ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है ट्रिपल एच समर स्लैम से पहले एक न्यू कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के साथ रोमन रेंस का रिटर्न करवाए और रोमन रेंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फ्यूड करवाए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ रेसलिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि समर स्लैम में WWE द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवा सकती है, जिसमें द रॉक कोडी रोड्स को हरा देंगे और फिर रोमन रेंस का रिटर्न होगा और रेसलमेनिया 41 में हमें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का एक ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में खुल के बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको रोमन रेंस के रिटर्न के 3 पॉइंट बता दिए हैं, या तो रोमन रेंस कोडी रोड से एक रीमैच लेंगे या फिर रोमन रेंस एक न्यू कैरेक्टर के साथ अपना रिटर्न करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच करेंगे, या फिर रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 से पहले अपना रिटर्न करके द रॉक को चैलेंज करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।